नमस्कार, मैं पंडित राम दुबे आप सबके समकक्ष आज बहुत ही अच्छा विषय लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। और हमें यह मालूम है कि आप सबको भी यह पता होगा, लेकिन शायद पता है हो या ना हो, मेरा कर्तव्य बनता है कि आप सबको यह जानकारी ज़रूर दें। तो आज की जो विषय है वह किस माला से जाप करें। अगर हम जाप करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, देवी देवताओं का जाप करते हैं, तो कौन सी माला अच्छी है और किस माला से किसकी जाप करी जाए, आइए हम जानते हैं। रुद्राक्ष की माला जो होती है, श्री गायत्री, श्री दुर्गा, श्री शिव, श्री गणेश जी, श्री कार्तिकेय, पार्वती जी, इन सब के लिए रुद्राक्ष की माला से जाप करना चाहिए। तुलसी की माला श्री राम, श्री कृष्ण, श्री सूर्य नारायण, वामन, श्री नरसिंह जी महाराज, इनके लिए तुलसी जी की माला से जाप करना चाहिए। सफटिक की माला से श्री दुर्गा जी, श्री सरस्वती जी, श्री गणेश जी का जाप करना चाहिए। सफ़ेद चंदन की माला, सफ़ेद चंदन की माला जो होती है, वो सभी देवी देवताओं का जाप कर सकते हैं। इसके बाद लाल चंदन से सिर्फ श्री दुर्गा जी देवी जी का ही जाप कर सकते हैं। कमल गट्टे की माला श्री लक्ष्मी जी के लिए होता है, कमल गट्टे की माला से माँ लक्ष्मी जी का जाप कर सकते हैं। हल्दी की माला से श्री माँ बंगलामुखी जी का जाप कर सकते हैं। तो यह हमने आप सबको मालाओं के विषय में कुछ जानकारी दिया कि किस माला से किस देवता का जाप किया जाए। तो आशा करूँगा अगर कहीं कोई माला नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो रुद्राक्ष की माला से आप जाप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सबको यह जानकारी प्राप्त करके अच्छा लगेगा। नमस्कार।